धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम की सहायता हेतु भगवान शिव वानर जाति में हनुमान के रूप में त्रेता युग में अवतरित हुए थे। जब जब भगवान श्री राम पर कोई संकट आया, तब तब हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि व पराक्रम से उसको दूर कर दिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में स्वयं श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा कि हनुमान के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की है। तो इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी द्वारा किए गए कुछ ऐसे ही कामों के बारे में बताएंगे जिन्हें करना किसी और के वश में नहीं था। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें जय सियाराम। जय सियाराम, जय जय सियाराम। राक्षसों का संहार। युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इनमें धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, अक्षय कुमार, निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण में भी भयंकर युद्ध हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां उपस्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया था। समुद्र लांघना। माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान, अंगद और जामवन जैसे वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब अंगद से वहां उपस्थित सभी पराक्रमी वानरों ने उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि वे 30 योजन तक छलांग लगा सकते हैं, तो किसी ने कहा कि वे 50 योजन तक। तब जामवन जी ने कहा कि वे 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगाकर समुद्र पार तो कर लूंगा, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं इसमें संशय है। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल व पराक्रम का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया। राक्षसी माया का वध। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी और उन्हें अपना भोजन बनाती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई को देखकर अपनी माया से उनको निगल जाती थी। उसने हनुमान जी को भी कुछ इसी प्रकार अपना भोजन बनाने की कोशिश करी, परंतु हनुमान जी ने उसका छल जानकर उसका वध कर दिया। माता सीता की खोज। समुद्र लांघने के बाद हनुमान जब लंका पहुंच गए तो लंका के द्वार पर ही लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। तब हनुमान जी उसे परास कर लंका में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दी, परंतु फिर भी हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। माता सीता के ना मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कि कहीं रावण ने उनका वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु इसके बाद भी वे लंका के अन्य स्थानों पर माता सीता की खोज करने लगे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वे अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने यह कठिन काम भी बहुत ही सहजता के साथ कर दिखाया। लंका दहन। माता सीता की खोज करने के बाद हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया जिससे कि वो शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगा सकें। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने आए तो उन्होंने उनका वध कर दिया। तब रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को वहां पर भेजा। फिर हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी लंका में जाकर माता सीता की खोज करना व राक्षसों का वध कर लंका का जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़ी ही सहजता से कर दिया। अक्षय कुमार का वध। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, इसके बाद रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर हनुमान जी को मारने चल दिया। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर उसे ललकारा और फिर उन्होंने अक्षय कुमार सहित सभी को मारकर बड़े जोर से गर्जना की। मेघनाथ से युद्ध। पुत्र अक्षय कुमार का वध हो गया यह सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाथ को भेजा। उससे कहा गया कि उस दुष्ट को मारना नहीं, उसे बांधकर लेकर आना। उस बंदर को देखो कि वो कहाँ है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। मेघनाथ तुरंत ही समझ गया कि यह कोई मामूली वानर नहीं है, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। तब ब्रह्म बाण से मूर्छित होकर हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिर गए। जब मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तब वे उनको नागपाश से बांध कर ले गया। बंधक हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी और फिर उन्होंने खुद ही अपनी पूंछ से अपने लिए एक आसन बना लिया
और उस पर बैठ गए। इस पर रावण अति क्रोधित होकर कहता है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? क्या तुझे मेरी शक्ति और मेरी महिमा के बारे में नहीं पता है? तब हनुमान जी श्री राम की महिमा का वर्णन करते हैं और रावण को कहते हैं कि वह अपनी गलती मानकर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाए, विभीषण को अपने पक्ष में करना। श्री रामचरित मानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। राम भक्त हनुमान को देखकर विभीषण अति प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि राक्षस जाति का होने के बाद भी क्या श्री राम मुझे अपनी शरण में लेंगे। तब हनुमान जी कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने सभी सेवकों से प्रेम करते हैं। जब विभीषण रावण को छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में जाते हैं तब सुग्रीव जामवंत आदि कहते हैं कि ये रावण का भाई है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में हनुमान जी ने ही विभीषण का समर्थन किया था। अंत में विभीषण के कारण से ही प्रभु श्री राम रावण की मृत्यु का रहस्य जान पाए। संजीवनी बूटी को लेकर आना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने अपने दिव्य अस्त्र से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, जिसके बाद हनुमान जी लंका के वैद्य जी को लेकर आते हैं, जो कि कहते हैं कि तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत जाओ, वहाँ तुम्हें ऋषभ व कैलाश शिखर दिखाई देंगे। उन दोनों के मध्य में एक औषधि का पर्वत है, तुम वहाँ से संजीवनी बूटी ले आओ, केवल संजीवनी के द्वारा ही लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। जिसके बाद हनुमान जी तुरंत संजीवनी बूटी लाने चल देते हैं, परंतु वहाँ पहुंचकर उन्हें वहाँ तरह तरह की बूटियाँ नजर आती हैं। तब हनुमान जी अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर औषधियों का वह पूरा पर्वत ही उठाकर ले आते हैं, जिसके बाद संजीवनी बूटी का प्रयोग करके लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए जाते हैं। साथ ही औषधियों की सुगंध से कई हजारों लाखों वानर पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। अही रावण वध। श्री राम के साथ युद्ध के दौरान जब रावण का बेटा मेघनाद मारा गया तब उसने अपने भाई अही रावण की मदद मांगी। पताल के स्वामी अही रावण ने अपने भाई को मदद का वचन दे दिया। इस बीच विभीषण अही रावण के संदर्भ में जानते थे, उन्हें शक था कि रावण अही रावण की सहायता जरूर लेगा, जिसके बाद विभीषण ने इस बात की जानकारी भगवान हनुमान को भी दे दी और साथ ही यह भी कहा कि राम लक्ष्मण की कुटिया में किसी को अंदर नहीं जाने देना। परंतु अही रावण विभीषण का वेश बनाकर श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक ले जाता है। इस बात की सूचना मिलते ही हनुमान जी तुरंत पाताल लोक के लिए निकल जाते हैं। हनुमान जी को अही रावण और मही रावण की एक बड़ी सेना का मुकाबला करना था, लेकिन उन्हें बताया गया था कि अगर आपको पूरी सेना को खत्म करना है तो किसी विशिष्ट जगह पर रखे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा, इससे उनकी पूरी सेना स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। यहीं पर बजरंगबली ने अपना 5 मुख वाला रूप अख्तियार किया, जिसे हम पंचमुखी हनुमान के नाम से जानते हैं। 5 अलग अलग जगहों पर रखे दीपक उन्होंने एक बार में बुझा दिए और फिर अही रावण और मही रावण का वध करके श्री राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस ले आए। इसके अतिरिक्त हनुमान जी ने कुंभकर्ण के साथ भी युद्ध किया था और उसको भी अपने शक्ति का स्वाद चखाया था। वे चाहते तो उसका वध क्षण भर में कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कुंभकर्ण की मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों होनी थी। इसी प्रकार वे रावण का वध भी करने में सक्षम थे, परंतु प्रभु श्री राम के हाथों ही रावण का वध होना था, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये थे हनुमान जी के कुछ पराक्रमी कार्य जो कि उन्होंने लंका जाने के पश्चात किए थे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।